नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों के ओर बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आयोग ने जारी किए निर्देश। दिवाली छठ में बिहार आने के लिए ट्रेनों की बुकिंग हुई फुल, तो ऐसे कर सकते हैं इंतजाम। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13 जुलाई को अहम बैठक। हर पंचायत में होगा स्पोर्ट्स क्लब। इस बार इंटर में बेटियों के नामांकन के लिए बढ़ी सीटें। इस तरह से बचा सकते हैं अपने मोबाइल का डेटा। T20 के तीसरे मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। PNB ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 2700 पदों पर आई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अभी शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मध्याह्न भोजन से संबंधित रिपोर्ट होगी दर्ज। अभी शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मध्याह्न भोजन से संबंधित रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। इससे पता चलेगा कि स्कूल में कितने बच्चों ने मिड डे मील के दौरान खाना खाया। यदि प्रधानाध्यापक इसकी रिपोर्ट इस शिक्षा कोर्स पर हर दिन नहीं भेजते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा निर्देश दिया गया है। इन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, पर मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या इस पोर्टल पर नहीं आ रही है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि उक्त व्यवस्था को लागू करना सुनिश्चित करें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शिवनाथ सिंह के बारे में। ये भारत के सबसे लंबी दूरी धावकों में से एक थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1946 में बक्सर के मझरिया गांव में हुआ था। इन्होंने एशियाई खेलों में और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दो बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये बिहार रेजिमेंट में भारतीय सेना में शामिल हुए और नायब सूबेदार के पद पर पहुंचे। इनके नाम सबसे लंबे समय तक चलने वाले भारतीय एथलेटिक्स का रिकॉर्ड है। 6 जून वर्ष 2003 में ये हमें अलविदा कह गए। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13 जुलाई को अहम बैठक। हर पंचायत में होगा स्पोर्ट्स क्लब। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13 जुलाई को अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और खेल DG रविंद्रन शंकरन समेत तमाम खेलों के संगठन के अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। इस बैठक को लेकर खेल DG ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक नई पॉलिसी लागू की है। स्पोर्ट्स क्लब पॉलिसी के तहत हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब खोले जाएंगे। 8353 पंचायत में इस पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स क्लब का गठन होगा। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आयोग ने जारी किए ये निर्देश। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही आयोग ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। आयोग द्वारा कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं अपलोड किए गए हैं, वे कुछ जरूरी कागजात या साक्ष्य के साथ 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक परीक्षा केंद्र पर आएंगे। साथ ही परीक्षा के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष को ये साक्ष्य समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर मौजूद घोषणा पत्र को पूरी तरह से भरकर यहां निर्धारित जगह पर फोटो चिपकाएं, फिर राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएं, फिर हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर करें, दो प्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ में एक एडमिट कार्ड पर चिपका दें और एक अपने साथ केंद्र पर ले जाएं और इसके केंद्राध्यक्ष के सामने चिपकाएं। अपने साथ आधार कार्ड भी जरूर केंद्र पर ले जाएं। इस तरह से बचा सकते हैं अपने मोबाइल का डेटा। इन दिनों कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान से बढ़ा दिए हैं, जिससे इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो लोगों को होती है कि जिनका मोबाइल डेटा तुरंत खत्म हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन का डेटा बचा सकेंगे। अपने फ़ोन में बेवजह के खर्च हो रहे डेटा को बचाने के लिए ध्यान दें कि फ़ोन में मौजूद कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा खपत कर रहा है। कई बार तो जो ऐप्स हमारे बैकग्राउंड में खुले होते हैं वो भी अधिक डेटा खपत करते हैं, इसलिए बैकग्राउंड में मौजूद ऐप्स को भी इस्तेमाल करने के बाद हटा दिया करें। इसके अलावा HD वीडियो और म्यूजिक को डाउनलोड करने से बचें।
शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता को लेकर दिया सख्त निर्देश। शिक्षा विभाग को मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने जिलों को सख्त निर्देश दिया है। विभाग ने जिलों को इस संबंध में पत्र के जरिए कहा है कि सबसे अधिक शिकायत मध्याह्न भोजन को लेकर आ रही है। इसमें सर्वाधिक शिकायतें निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने, देर से भोजन की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता को लेकर आ रही है। इसको लेकर निदेशालय ने सभी शिकायतों का निपटारा कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इस मामले में यदि शिथिलता बढ़ती गई तो पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। राज्य में 2.25 लाख केले का पौधा लगाने का लक्ष्य। राज्य में केला का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस साल 2.25 लाख केले का पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को केला का पौधा लगाने के लिए 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। एक हेक्टेयर में केले का पौधा लगाने पर करीब 1,25,000 रुपये तक खर्च आते हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को इसमें 62,500 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। किसानों को मालभोग और चिनिया सहित बेहतर उत्पादन वाले प्रभेद के पौधे किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। मोतिहारी में निर्माणाधीन रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की होगी स्थापना। विराट रामायण मंदिर का निर्माण मोतिहारी के केसरिया में हो रहा है। मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर के दूसरे चरण के निर्माण में मुख्य संरचना का निर्माण किया जाना है। मुख्य संरचना का निर्माण करीब 185 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्य संरचना की लंबाई 1,080 फीट, चौड़ाई 540 फीट और ऊंचाई 80 फीट के करीब में होगी। 3,200 गर्भ स्तंभों पर मंदिर टिका रहेगा। मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव किशोर कुणाल ने बताया है कि अगले 2 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इन मामलों की सुनवाई के लिए 13 जुलाई को लोक अदालत का होगा आयोजन। लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में होगा। लोक अदालत के आयोजन से संबंध सामान्य अदालती व्यवस्था के ऊपर से मुकदमों का बोझ कम होगा। विभिन्न मामलों पर लोक अदालत में जस्टिस अंजनी कुमार सरन, जस्टिस प्रभात कुमार सिंह, जस्टिस नवनीत कुमार पांडे व जस्टिस संदीप कुमार सुनवाई करेंगे। इनके साथ सहायता के लिए वकील भी रहेंगे। लोक अदालत में पोस्ट रिटायरमेंट अवमाननावाद, मोटर व्हीकल एक्ट, मिसलेनियस अपील आदि मामलों पर सुनवाई होगी। दिवाली छठ में बिहार आने के लिए ट्रेनों की बुकिंग हुई फुल, तो ऐसे कर सकते हैं इंतजाम। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के अधिकतर लोग छठ पर्व के दौरान बिहार जरूर आते हैं। छठ के आने में अब केवल 4 महीने ही हैं। इसे देखते हुए कई लोगों ने ट्रेनों के टिकट अभी से ही बुक करवा ली है, जिस वजह से सीट फुल हो चुकी है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छठ के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेन का संचालन करती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इस दौरान चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन पर नज़र रखें और अधिक डिटेल्स लेते रहें। यदि जैसे ही स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग शुरू होती है तो वैसे ही आप अपनी टिकट बिहार के लिए बुक कर सकते हैं। देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा का ये है आगे का सपना। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में देश की पहली ट्रांसजेंडर मानवी मधु कश्यप दरोगा बनी है। अपना सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरा बिहार SI में सिलेक्शन हो गया है। अब इनका सपना है कि ये IAS बने। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 3 ट्रांसजेंडरों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 2 ट्रांसमैन हैं और मनु अकेली ट्रांस वुमेन है। मालूम हो कि मनु का जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है, लेकिन उनके माता पिता और उनके गुरु के सपोर्ट के कारण वे आज यहाँ तक पहुँच पाई हैं। बिहार पर्यटन नीति गाइडलाइंस 2024 हुआ जारी। बिहार पर्यटन नीति गाइडलाइन 2024 सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। 4 स्टार या उससे ऊपर के होटल इस नीति का लाभ उठा सकेंगे। इस नीति का लाभ लेने के लिए प्रोजेक्ट के साथ पुराने प्रोजेक्ट की मरम्मत या सौंदर्यकरण कराने वाले भी लाभ उठा सकेंगे। इस नीति को पिछले वर्ष कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। जो भी इस नीति के तहत आवेदन करेंगे उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए जरूरी है कि नए होटल प्रोजेक्ट की लागत 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, मरम्मत मूल्य 2.5 करोड़ रुपये से अधिक होने चाहिए। सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन वाले बच्चे पाए गए तो प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन वाले बच्चों की जांच करने की तैयारी कर रहा है। यदि स्कूल में दोहरे नामांकन वाले बच्चे पाए गए तो प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाली योजना का लाभ उठाने के लिए कई बच्चों के दोहरे एडमिशन की शिकायत सामने आई थी, लेकिन अब ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनके नाम काटे जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सख्ती से कहा है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि किसी ने मात्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही बस सरकारी स्कूलों में तो नामांकन नहीं करवा रखा है। इसकी जांच के लिए बच्चों के आधार कार्ड को भी इस शिक्षा कोर्स पोर्टल से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। 31 जुलाई से पहले आधार पैन को लिंक करवाना है जरूरी। आयकर विभाग ने भारत के करदाताओं के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक भारतीय करदाताओं को 31 जुलाई से पहले आधार और पैन लिंक करवाना जरूरी है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें आयकर रिटर्न भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि हमारे देश में आधार सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, वहीं पैन कार्ड अस्थायी खाता नंबर है। ये लोगों के वित्तीय स्थितियों पर उसके लेन देन को दर्शाता है। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है, इसलिए इस अंतिम तारीख से पहले अपने आधार को पैन से लिंक करवाना जरूरी है। बिहार के सोनू अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में आएंगे नजर। हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में पटना के सोनू कुमार अभिनय करते नजर आएंगे। सोनू के पिता एक रिक्शा चालक हैं। सोनू का सपना था कि वे साइंटिस्ट बने, लेकिन वे एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं। इस फिल्म में सोनू का चयन ऑनलाइन ऑडिशन के माध्यम से हुआ है। सोनू ने बताया कि अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में मुख्य बाल अभिनेता के किरदार में भी नजर आएंगे। फिल्म मेकर्स को बिहार के सोनू का प्रदर्शन बेहद ही पसंद आया, जिसके बाद इनका चयन फिल्म के लिए कर लिया गया। बीपीएससी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 76 वाइस प्रिंसिपल के पदों पर निकाली भर्ती। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 76 वाइस प्रिंसिपल के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती निकाली गई है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उक्त विज्ञापन के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त 2024 को संभावित है। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आप www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। प्रदेश के इन जिलों में आज भारी बारिश की है संभावना। इस बार प्रदेश में कुछ ज्यादा ही बारिश देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोग बाढ़ के संभावित खतरे से भी डरे हुए हैं। प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। इस बार इंटर में बेटियों के नामांकन के लिए बढ़ी सीटें। इस बार इंटर में बेटियों का दाखिला अधिक से अधिक हो सके, इसके लिए सीटों को बढ़ा दिया गया है। OFSS पोर्टल पर बिहार बोर्ड ने कुल 17.5 लाख सीटें जारी की हैं, जिसमें छात्राओं के लिए करीब 9 लाख सीटें आरक्षित हैं। इस बार बालिका उच्च माध्यमिक स्कूलों के साथ ही कोएड स्कूलों में भी लड़कियाँ दाखिला ले सकेंगी। आपको बता दें कि 12वीं के लिए बच्चे 14 जुलाई तक नामांकन ले सकेंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी पर शिक्षा मंत्री का बयान। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है। अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बहाली हो रही है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के 800 पद को इंटरव्यू के बाद भरा गया है। धीरे धीरे सभी पदों को भरा जाएगा। वहीं बीपीएससी चयनित शिक्षकों को हटा जाने को लेकर उन्होंने बताया कि औपबंधिक नियुक्ति हुई थी। कई जिलों से ऐसे शिक्षक हटाए गए जिनका प्रमाण पत्र फर्जी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जा रही बस से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई व 19 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। इस हादसे पर सीएम नीतीश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इस बस में बिहार के भी कई यात्री थे। बिहार के मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की गई है। साथ ही स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को निर्देश दिया गया है कि वे यूपी सरकार से जरूरी समन्वय स्थापित कर हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था और हर संभव सहायता सुनिश्चित करें।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश को बताया लाचार और बेबस मुख्यमंत्री। सीएम नीतीश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वे पटना के जेपी गंगा प्रोजेक्ट के पथ लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट इंजीनियर के पैर छू रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो पर तेजस्वी यादव का तंज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इतना असहाय लाचार और बेबस मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन और प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण ये है कि एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। टी20 के तीसरे मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया। बीते दिन भारत और जिम्बाब्वे के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर सीरीज में 1-2 से बढ़त बना ली है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाए। इसमें शुभमन गिल ने 66 रन, यशस्वी जायसवाल ने 36 रन और गायकवाड़ ने 49 रन बनाते हुए शानदार बल्लेबाजी की है। जवाब में शुरुआती पारी में जिम्बाब्वे की पारी लड़खड़ाकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वहीं सबसे अधिक वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2003 में लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदाए सरहद बस का परिचालन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे। आज के दिन वर्ष 1960 में भारतीय फिल्म अभिनेता कुमार गौरव का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1902 में सरदार वल्लभ सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और प्रथम रक्षा मंत्री थे। आज के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ट्रेन से यात्रा करने के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। ट्रेन से यात्रा करना अधिकतर लोगों के लिए आरामदायक और किफ़ायती होता है, लेकिन इस दौरान हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यदि आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट से यात्रा करते हैं तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाती है, इससे यात्री यात्रा भी नहीं कर सकते। यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको पूरे किराए के साथ ही न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। साथ ही TT आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास उच्च श्रेणी का टिकट नहीं है तो आप उच्च श्रेणी में भी सफ़र नहीं कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, BR स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस IIT ने अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी BTech कोर्स करने का विकल्प दिया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IIT जोधपुर, ऑप्शन डी IIT पटना। इसका सही उत्तर है IIT जोधपुर। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 24 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 27 मार्च। इसका सही उत्तर है 24 मार्च। हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है मिजोरम। इब्राहिम लोदी के समय उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला बिहार का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है महमूद लोदी, ऑप्शन बी है दरिया खां लोहानी, ऑप्शन सी है शेर खां, ऑप्शन डी है फरीद। इसका सही उत्तर है दरिया खां लोहानी। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है, रंजीत मिश्रा, मोतीलाल कुमार, नंद कुमार, विनोद महात्मा, राम बाबूदास, राहुल कुमार, नुनू गोलू कुमार, परशुराम सिंह, राजीव कुमार, शिव शक्ति, आजाद कुमार, शिवम कुमार सिंह, विमलेश कुमार, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के कौन से युवा नेता आपको पसंद है और क्यों? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।